गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। छठा पाठ, दिस इज जोड़ीज फॉर्म की डिफिकल्ट वर्ड्स जो है वो हम कर रहे थे, जिसमें हमने पहले भाग के, दूसरे भाग के और तीसरे भाग के जो कि अंतिम भाग है उसके कुछ स्पेलिंग जो है वो पीछे रहे थे, बाकी हमने पिछले वीडियो लेक्चर तक कर दिए थे। तो जो शेष जो रहे थे उन स्पेलिंग्स को लेकर के मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। अब इसके बाद इस पूरे पाठ के जो डिफिकल्ट वर्ड्स जो है वो मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा शब्द पीछे नहीं रहा होगा जो मैंने नहीं करवाया है, जो आपको नहीं आता है या नया शब्द जो है वो आपके सामने आया, ऐसा नहीं है। सभी स्पेलिंग्स मैंने लिखवाने का प्रयास किया है, तो शेष रही ये स्पेलिंग्स आज हम करेंगे और उसके बाद जो है हमारा अगला स्टेप जो रहेगा वो ट्रांसलेशन स्टार्ट करने का रहेगा। ट्रांसलेशन टू हिंदी, हिंदी अनुवाद जो है स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले इनके कुछ शब्द जो है, इनके स्पेलिंग्स और उनके प्रोनाउंसिएशन के साथ तो उनके हिंदी अर्थ को भी एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द जो है आपके सामने वो है पेन, पी ए एन, जाना पहचाना शब्द है। वैसे तो हो सकता है मैंने कई बार जो है वो आपको करवाया होगा, क्योंकि कई बार ये चीज़ मुझे लगती है कि सामने आई है हमारे, लेकिन फिर भी अगर हो सकता है कि किसी को मालूम ना हो तो इसको मैंने वापस आज लिख पाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन, पी एन, पेन का मतलब होता है कढ़ाई। घर में सब्जी बनाने के लिए या कोई दूसरी चीज़ जो है उसको पकाने के लिए जिस प्रकार का जो है वो गोल बर्तन जो होता है उसको पैन कहा जाता है, कढ़ाई कहा जाता है। और वैसे तवा जो होता है, तवा आपने सुना होगा, उसको भी जो है वो पैन कहा जाता है। तो चलिए पैन यानी कढ़ाई नाम है। दूसरा शब्द आपके सामने जो है वो गॉर्ड। एक वेजिटेबल है गॉर्ड, जी ओ ई आर डी गॉर्ड, तो तुम्बा कहा जाता है। और सूखने के बाद ये बर्तन टाइप हो जाता है, तो गॉर्ड यानी तुम्बा हो गया, ये भी नाम है, जी ओ यू आर डी गॉर्ड, गॉर्ड यानी तुम्बा, ठीक है। उसके बाद आपके सामने एक शब्द आया है स्कीम, स्कीम से बना है स्कीम, एस ए आई एम स्कीम। स्कीम का मतलब होता है मलाई हटाना, और स्कीम से जो है आपके सामने बना है स्किम्ड यानी मलाई हटाई, एस के आई डबल एम ई स्किम मलाई हटाई। फिर है बटीड, बी यू डबल टी ई वी, बटीड का मतलब होता है झटका दिया, वर्ब का सेकंड। फिर है प्री केरी स्त्री, प्री केरी स्त्री, पी आर ई सी ए आर आई ओ यू एस एल वाई, प्री केयर स्त्री का मतलब होता है कठिनाई से, कठिनाई से। स्पेलिंग एस पी आई डबल एल आई एन जी, स्पेलिंग का मतलब होता है छलकाते हुए, छलकाते हुए, पानी को ऊपर उछालते हुए, छलकाते हुए। डिप, डी आई पी डिप यानी डुबकी होता है, या डुबाना होता है, यह वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है डी आई डबल पी ई डिप यानी डुबोई या डुबोया। फिर उसके बाद में है टी एच आर यू एस टी थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब घुसाया। सख्त, एस यू सी के डी सख्त, सख्त होता है और सेकंड फॉर्म में सख्त यानी सूचना, और सेकंड फॉर्म हो गया एस यू सी के डी सख्त यानी सूचना। ग्रीडी, ग्रीडी भी है सब डबल ई डी आई डी वाई, ग्रीडी लोभ से, लालच से,
फिर है विट ट्यू, डब्ल्यू आई टी एक्स डी आर ई डब्ल्यू विट ट्यू, इसका मूल शब्द है विट्रो, डब्ल्यू आई टी एक्स डी आर एन ये शब्द है मूल शब्द है बट कमर्स का है विट्रो का मतलब निकालना और ये है विट्रू आपके सामने जो है वो है विट्रू डी आर ई यानी निकाला या निकाली और इसका थर्ड फॉर्म बनता है वो बनता है विड्रॉन। विड्रॉन निकाल चुका वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अपने सामने है वर्ब का फर्स्ट यानी निकाली सेकंड फॉर्म सॉरी निकाली या निकाला। फिर है फ्रेंटिकली, फ्रेंटिकली एंड है एफ आर ए एन टी आई सी ए डबल एल वाई फ्रेंटिकली यानी चिंता से, चिंता से। फिर है स्नॉर्टिंग, स्नॉर्टिंग यानी गुस्सा गुर्राना होता है एस एन ओ आर टी और उसका सेकंड फॉर्म है स्नॉर्टिंग यानी गुर्राया एस एन ओ आर टी ई ए। फिर स्टैम्प एस टी एम पी ई डी एस टी एम पी ई डी स्टैम्प यानी ठकठकाया, ठकठकाया बजाया दरवाजा वगैरह बजाते हैं ठकठकाते हैं ऊपर किसी से पीटते हैं तो उसको ठकठकाना कहता है कहते हैं। वर्ब का सेकंड फॉर्म है स्टाम्प होता है स्टाम्प से स्टैम्प देता है वो शब्द है स्टाम्प, स्टाम्प ठकठकाना ठकठकाया और ठकठका चुका। ये तीन फॉर्म होगी फर्स्ट फॉर्म होगी उसका सेकंड फॉर्म होगा और उसका थर्ड फॉर्म होगा ठीक है। उसके बाद शब्द आपके सामने हुप्स शायद कल लिखवाया था हुप जानवरों के कुल होते हैं हुप और होप्स यानी बहुवचन है तो जानवरों के कुल होंगे। इम्पेशेंटली जाना पहचाना शब्द है आई एम पी ए टी आई टी एन टी एल वन इम्पेशेंटली पेशेंटली से बनाया जाए पेशेंटली का मतलब होता है डेरे से डेरे पूर्वक डेरे को पी ए टी आई एन टी एल वन इम इसमें प्रीफिक्स लगा है आई एम इम प्रीफिक्स प्रीफिक्स उपसर्ग लगने से हुआ है बहुवचन हो गया सॉरी विलोम शब्द हो गया अधीरता पूर्व अधीरता। उसके बाद में है कंटेंट, कंटेंट पढ़ते हैं जिसको सी ओ एन टी ई एन टी कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट। और फिर एक्सटीसी ई सी एस टी एस वाई ई सी एस टी एस वाई एक्सटीसी आनंद की भावना, आनंद की भावना। फ्लिक एफ एल आई सी के फ्लिक का मतलब होता है हिलाना या पटराना या टिमटिमाना और उससे बना है फ्लिक का सेकंड फॉर्म यानी हिलाया। फिर वेनिश, वेनिश शब्द है मूल शब्द है वेनिश वी ए एन एन आई एस एस वेनिश गायब होना इसका सेकंड फॉर्म वेनिश गायब हुआ खत्म हुआ वेनिश गायब हो चुका खत्म हो चुका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब का सेकंड फॉर्म और ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म ठीक है। उसके बाद स्वेल एस डब्ल्यू आई एल स्वेल का मतलब गोल घूमना, गोल गोल जब घूमना जाता है जैसे पानी में वगैरह में देखा होगा पानी गोल गोल घूमता है तो उसको स्वेल कहते हैं घूमना भंवर। गर्गली गर्गल होता है शब्द होता है गर्गल जी यू आर जी एल गर्गल गर्गल का मतलब होता है गर्गल की आवाज गर्गलाना गर्गलाना ठीक है इसको कहते हैं गर्गल की आवाज होती है आवाज। बिल्ली वगैरह आपने बैठे हुए देखा होगा उसके गले से जब हम सुनते हैं तो एक आवाज निकलती है गर्र गर्र आवाज होती है वो एक गर्गलिंग है। मूल शब्द इसका गर्गल है जी यू आर जी एल ई। तो ये हो गए आपके
इस तीसरे भाग के सेस स्पेलिंग, टोटल मेरे हिसाब से 22 स्पेलिंग है तो कम ही है, जितना अपन समझ रहे थे उससे कम है। तो अब जो है पहले दूसरे और तीसरे तीनों भाग की जो है वो स्पेलिंग्स हमने कर ली। अब राह है हमारी याद करने का, तो याद हालांकि आपने स्टार्ट कर लिया होगा और मेरे हिसाब से जो है वो 50-60 स्पेलिंग जो है आपने याद कर ली होगी लगभग पहले भाग की हो गई होगी। अगर नहीं भी हुई है तो आज जो है वो पहले भाग कंप्लीट जो है वो कर लें आप। कल हमारा प्रयास रहेगा पहले भाग की, इस छठे पार्ट के पहले पार्ट का हिंदी ट्रांसलेशन जो है वो स्टार्ट करें। तो स्पेलिंग आप तैयार रखें, तरीका मैंने बता दिया याद करने का, लिखने का तरीका मैंने बता दिया, तो आप जो है वो लिखें मैंने बताया उसी अनुसार उसी पैटर्न से और याद भी मैंने बताया उसी पैटर्न से करें। ये जो है आपके बेटा देखाओं में समझाने के लिए जो है लिखा था मैंने, ठीक है। ये हो गया आपके अभी का प्रमुख, अभी का प्रमुख हो गया ये, ठीक है। तरीका मैंने बताया था आपको लिखने का, फ्रेंटिकली लिखना है, ऐप छोटा कर रहे हो तो थोड़ा नीचे भी आना चाहिए। आर ऐसे हो गया, ए ऐसे हो गया, एन ऐसे हो गया, टी ऐसे हो गया, आई ऐसे हो गया, सी ऐसे हो गया, ए ऐसे हो गया, एल ऐसे हो गया, वाई ऐसे हो गया। अब देखो हमने बिना चार लाइन के कॉपी में जैसे लिखा है, लेकिन जब आप उनको नापें ऐप का ये बड़ा जो है ये बार ये जो है वो दो लाइनों से पूरा ऊपर रहेगा, बाकी बड़ा ये दो लाइनों में ये ऐप का आधा जो है नीचे की ओर रहेगा। आप चाहो तो यहाँ ऊपर बढ़ाई है, देखो चार लाइन बनाई है, अनुमान से बनाइए, लग देखो बराबर टच करते हुए सभी सभी अक्षर, यहाँ भी टच करते हुए, यहाँ भी जो है सभी अक्षर टच करते हुए आपको रहना है। हिंदी में जब लिखना चाहेंगे लाइन के नीचे पेन 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 है पेन टी ली फेंटिकली, अब फेंटिकली लिखा है इसमें इन लाइनों का जो यहाँ की जो लाइनें हैं उनका साइज बराबर होनी चाहिए, तो अपने आप जो है आपके सुधार इसमें हो जाएगा। ये तो आपके लिखने का तरीका है, याद करने का तरीका आप जैसे इम्पेशेंटली आपको सब याद करें, मतलब आई एम कर लिया कितना हो गया, पेशेंट कर लिया पी ए टी आई टी एन टी पेशेंट कर लिया, एल वाई आगे कर दिया तो ये हो गया टोटल आई एम आई एम पी ए टी आई ई एन टी पी ए टी आई ई एन टी और एल वाई इम्पेशेंट, ये टुकड़ों में आप याद करके इस पूरी को साथ में मिला करके फिर जो है वो आप लर्न कर सकते हैं इसको, इससे आपको याद करने में भी आसानी होगी, कितनी बुरी स्थिति होगी आप उसको टुकड़ा करके आसानी से जो है याद कर सकते हो। तो लिखने की स्टाइल का आप ध्यान रखें किस प्रकार से आपको लिखना है और किस प्रकार से आपको याद करना है बड़ी बड़ी स्पेलिंग को, इसका ध्यान रखें और बढ़िया तरीके से करें। और सबसे पहले आप जो इसका मैं चाहूँगा स्क्रीन शॉट जो है उसका आपको लेना है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें और स्क्रीनशॉट लेकर के इनको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में करें।
अब जो है आप स्क्रीनशॉट लें इसका। तो इसके साथ ही आज का अपना ये वीडियो लेक्चर जो है वो हम यही समाप्त कर रहे हैं, कल ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।